दोस्तों आज की कहानी है ननन जी, मैं तो मेरे पति देव की कमाई में ही खुश हूँ, आपके पैसों की भूखी नहीं हूँ। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँच सके हर नया वीडियो। भाभी वैष्णवी की शादी पास आ रही है, आप एक हफ्ते पहले ही आ जाना, शादी के सारे काम आपको ही संभालने हैं। आपको तो पता ही है कितने काम होते शादी वाले घर में। मैं तो वैष्णवी की रस्मों में व्यस्त रहूंगी, तो आपको ही देखना है सब। सुषमा जी ने अपने भाभी राधा को फोन पर हुक्म सुना दिया। हाँ जी जी, मैं समय से आ जाऊंगी, कहकर राधा जी ने फोन रख दिया। राधा जी को पता था कि ये शब्दों की मिर्ची इसलिए गोली जा रही है जिससे एक मुफ्त की नौकरानी आकर काम संभाले। सुषमा और विनय भाई बहन है, उनकी माँ शांति देवी अपनी बेटी से बहुत प्यार करती हैं, लेकिन इस वजह से बेटे बहू को हमेशा इग्नोर कर देती हैं, इसलिए राधा को बहुत बुरा लगता है। विनय की आर्थिक हालत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन अपने परिवार का खर्च वो आराम से चला लेता था। उधर सुषमा के पति सरकारी अधिकारी होने की वजह से घर में उनकी सलती थी। शांति देवी ने ही सुषमा जी से कहा था ये भरे वसन बोलने के लिए, जिससे राधा जी बेटी के घर काम में हाथ बढ़ा दे। फोन रखते ही शांति देवी ने आदेश सुना दिया, विनय से कह दूंगी समय से सोड़ आएगा तुझे। वो माँ जी मैं ये कह रही थी कि शादी में इतने दिन पहले तो जाना ही है, तो शादी में पहनने के लिए कपड़े अभी ले आऊँ, फिर बाजार की काम कैसे होगा। अरे बहू नहीं, कपड़े की क्या जरूरत है, इतनी साड़ियाँ हैं तेरे पास, उनमें से ही कोई सी पहन लेना। राधा जी मन महसूस कर रह गई। शादी से एक हफ्ते पहले ही राधा जी अपनी ननन के घर पहुंच गई। पहुंच कर अभी राधा जी ने साई भी ना पीती कि सुषमा जी ने उनके हाथ सब्जी पकड़ा दी। भाभी फटाफट भिंडी काट कर सड़ा दो, भाई को भी भूख लगी होगी। विनय जी भी सब देखते समझते, लेकिन शायद बहन से प्यार ज़्यादा होने की वजह से सुब रह जाते। शादी का दिन आ गया था। सुषमा जी वैष्णवी को लेकर ब्यूटी पार्लर पर चली गई, उन्हें मेकअप कराना था। उधर राधा जी सभी मेहमानों को संभाल रही थी, कभी किसी की फरमाइश आ जाती तो कभी किसी का बच्चा दूध के लिए रोने लगता। राधा की सब अच्छे से संभाल रही थी, वह शिकायत का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती थी। वैसे भी वैष्णवी की शादी में क्यों हंगामा करना, जब सुषमा जी तैयार होकर आई तो उन्होंने देखा राधा जी अब तक तैयार नहीं है। सुषमा जी ने चिल्लाना शुरू कर दिया, भाभी आप अब तक तैयार नहीं हुई, अब हम सब बैठकर आपका इंतजार करें, वहाँ बारात आ जाएगी, तुम लोगों का स्वागत कौन करेगा। राधा जी धीरे से बोली, आप लोग चलिए मैं पीछे आती हूँ। वैष्णवी ने सुषमा जी से कहा, बस करो मम्मी, मामी को तैयार होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आप लोग चलिए, मामी मेरे साथ आ जाएगी। मंडप में राधा जी एक तरफ ही बैठी थी, आज उनको पूछने वाला कोई नहीं था, या तो कोई काम था ही नहीं। जयमाला के बाद विनय जी राधा जी के साथ दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने जाने लगे तो कुछ औरतें उन्हें देखकर फुसफुसाने लगी, ये लड़की की मामी है, कैसी ओल्ड फैशन साड़ी पहनी है, कहाँ सुषमा और कहाँ उनकी भाभी। ये सब सुनकर सुषमा जी ने भाई भाभी को रोक लिया और उनका हाथ पकड़ कर एक तरफ देख गई, ये कैसी साड़ी पहनी है भाभी, आपके पास एक ढंग की साड़ी भी नहीं थी क्या, मेरी नाक कटवा दी आपने, तो मुझसे ही कह दिया होता, मैं ही अपनी कोई साड़ी दे देती। हाँ नहीं है मेरे पास ढंग की साड़ी, जितना मेरे
पति कमाते हैं, मैं उसमें खुश हूँ, मुझे किसी की भी की जरूरत नहीं है। सारा दिन काम करके कोई पागल जैसा खूबसूरत नहीं दिख सकता, मैं जैसी हूँ वैसी अच्छी हूँ, मुझे फोटो खिंचवाने का कोई शौक नहीं है। मैं जा रही हूँ, आप अच्छे से तैयार होकर आई हैं, आप भी फोटो खिंचवा लीजिए अपनी माता जी के साथ। रिश्ते प्यार और सहयोग से बनते हैं, अगर रिश्तों में प्यार और सहयोग की कमी हो तो वह रिश्ते नहीं, समझौते ही होते हैं। मैं यहाँ वैष्णवी की खुशी में शामिल होने आई थी, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। आप लोगों ने मुझे सिर्फ मुक्त की नौकरानी समझा हुआ है, आज के बाद आपको इस नौकरानी की सेवा उसके आत्म सम्मान को कुशल कर नहीं मिलेगी, कहकर राधा जी ने शांति देवी की तरफ देखा। दोनों के पास बोलने को कुछ नहीं था, दोनों सुख सा वहाँ से चली गई। वीर्य के करने से वह दुल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देकर वापस घर आ गई। सुषमा जी और शांति देवी का व्यवहार तो कभी नहीं बदला, लेकिन हाँ, राधा जी उनके कहते ही भाग भाग कर काम ना करती। कहते हैं ना, आदमी अपनी फितरत कभी नहीं बदल सकता, यही हाल सुषमा जी और शांति देवी का भी था। लेकिन राधा जी को तसल्ली थी कि उन्होंने उस दिन अपने मन की बात बोल दी, जिससे सबको पता लग गया कि अब आंख बंद करके सब कुछ सहन नहीं करेगी।